الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. काबिल एहतराम बुजुर्ग और दोस्तों, रबीउल अव्वल का मुबारक महीना चल रहा है, इसी मुनासबत से कुछ बातें आपके सामने पेश की जाएगी। वैसे तो हजरत नबी अकरम सरकार दो आलम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का कोई भी उन्वान, कोई भी पहलू ले लिया जाए, वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। आपकी ज़िंदगी का हर बाब, हर सफ़ा रोशन है, मुनव्वर है। और मैं एक बात अक्सर कहा करता हूँ कि दो दरिया ऐसे हैं जिसके कोई किनारा ही नहीं। एक दरिया कुरान करीम है कि जिसकी गहराई में उतरते चले जाओ कोई इंतहा आने वाली नहीं, और दूसरा दरिया समंदर मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका है। लिखने वालों ने बड़ी बड़ी किताबें लिख दी, मगर अखीर में ये कहना पड़ा बाद अज खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। मगर मैं आज आपके सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत के ताल्लुक से फकत एक ही उन्वान पर गुफ्तगु करना चाहता हूँ, और वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक खानदान, आपका पाकीज़ा नसब। सबसे पहली बात तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नसब मुबारक तीन हिस्सों पर है। नसब का पहला हिस्सा आप अलैहि सलातु वस्सलाम से लेकर अदनान तक है, दूसरा हिस्सा अदनान से लेकर सैयदिना इब्राहीम अलैहि सलातु वस्सलाम तक है, और तीसरा हिस्सा सैयदिना इब्राहीम अलैहि सलातु वस्सलाम से लेकर सैयदिना आदम अलैहि सलातु वस्सलाम तक है। लेकिन इन तीनों हिस्सों में पहला ही हिस्सा ज्यादा सही है, और आगे के दो हिस्सों में बहुत गड़बड़ और इख्तिलाफ हुआ है। इसीलिए नबी अलैहि सलातु वस्सलाम की आदत मुबारका ये थी कि जब आप अपना मुबारक नसब बयान करते तो अदनान तक बयान करके रुक जाते थे और फरमाते थे कज़बन नस्साबून के इसके आगे जो लोग नसब बयान करते हैं वो झूठ कहते हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु कुरान करीम की आयत पढ़ते हैं, वादी व समूद वल्लदीन मिन बादिहिम ला यालमुहुम इल्लल्लाह, कि कौम आद और कौम समूद के बाद कुछ लोग ऐसे हुए
जिनको अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, ये आयत पढ़कर दलील देते और फरमाते कि अल्लाह के अलावा जब कोई नहीं जानता तो नसब बयान करने वाले कैसे जानते हैं। इसलिए हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी किताब बुखारी शरीफ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नसब बयान किया है वो अदनान तक ही बयान किया है। अलबत्ता अपनी दूसरी किताब तारीख कबीर में आगे नसब बयान किया है, मगर सही जो नसब है वो अदनान तक है, जो मैं आपको सुना देता हूँ। मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नवरा बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन निजार बिन माद बिन अदनान। यहाँ पर आपका सिलसिले नसब सही तौर पर खत्म होता है। अब इनमें जो एक नाम आया किलाब, ये किलाब ऐसा नाम है, यहां नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नसब दोनों तरफ से मिल जाता है, वालिद साहब की तरफ से भी और वालिदा की तरफ से भी। वालिद साहब की तरफ से तो मैंने आपको बता दिया मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसई बिन किलाब। अब वालिदा की तरफ से देखें तो मोहम्मद बिन आमिना बिनते वहब बिन अब्द मनाफ बिन जोहरा बिन किलाब। इतनी बात याद रखें कि वालिद साहब की तरफ से किलाब तक पहुंचने में एक वास्ता ज्यादा है और वालिदा की तरफ से किलाब तक नसब पहुंचने में एक वास्ता कम है। तो अब मैं आपके सामने जो वजाहत पेश करूंगा वो किलाब से पेश करूंगा, क्योंकि यहाँ दोनों नसब मिल जाते हैं। इसके ऊपर के लिए आप दूसरी किताबें देखते रहिए, अगर आप में तलब है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुछ मोहब्बत है, आपकी सीरत से कुछ दिलचस्पी है। पहली बात तो ये है कि ये किलाब, किलाब कल्ब की जमा है, इसके माना आते हैं कुत्ते के। अब ये नाम नहीं, ये लकब है। इनका असल नाम क्या था? तो बाजों ने कहा इनका असल नाम हकीम था, बाजों ने कहा इनका असल नाम उर्वा था, और बाजों ने कहा इनका असल नाम मुहज्जब था। अब चाहे हकीम नाम हो, उर्वा नाम हो, मुहज्जब नाम हो, मशहूर ये हुए किलाब से, और किलाब के माना कुत्ते के आते हैं। एक अरबी आराबी से किसी ने पूछा कि आप लोग अपने गुलामों के नाम तो बड़े अच्छे रखते हैं, मसलन गुलामों में किसी का नाम रखते रबाह जिसके माना है नफा पाने वाला, या मरजूक रिस्क दिया हुआ, और अपनी औलाद के नाम बड़े खतरनाक रखते हैं किलाब यानि कुत्ता, ज़िब यानि भेड़िया, तो ऐसा क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया कि गुलामों के नाम हम अपने लिए रखते हैं और औलाद के नाम हम दुश्मनों के लिए रखते हैं, ताकि दुश्मन जब हमारी औलाद के ये नाम सुने तो इनका रौब उन पर तारी हो जाए। ये भी कहा गया कि ये किलाब शिकार के बड़े शौकीन आदमी थे और शिकारी कुत्तों को अपने पास रखते थे, इस वजह से इस नाम से मशहूर हो गए। किलाब के दो लड़के थे, एक का नाम था जोहरा, ये बड़े लड़के हैं, और एक का नाम है कुसई, ये छोटे लड़के हैं। कुसई की औलाद में नबी अलैहिस्सलाम हैं, वो मैं आपको बाद में बतलाता हूँ। बड़े लड़के का नाम जोहरा है, जोहरा के फिर दो लड़के थे, एक का नाम था हारिस
जिनकी औलाद में आगे चलकर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला हुए, और एक का नाम था अब्दे मनाफ। अब्दे मनाफ के फिर दो लड़के थे, एक का नाम था वहब, एक का नाम था वुहैब। वहब की लड़की आमेना है, जो नबी अलैहिस्सलाम की वालिदा है, और वुहैब की औलाद में अबू वक्कास है और उनके बेटे साद बिन अबी वक्कास है। तो ये मैंने मुख्तसर खाका किलाब के खानदान का आपके सामने पेश किया। अब ये भी बात आपके सामने आई कि किलाब के दो लड़के जोहरा बड़े थे जिनकी औलाद में आमिना है, कुसई छोटे थे जिनकी औलाद में नबी अलैहिस्सलाम के वालिद अब्दुल्ला है। किलाब ने जब शादी की तो पहले जोहरा की विलादत हुई, फिर एक अरसे के बाद छोटे बेटे यानी कुसई की विलादत हुई। जब कुसई की विलादत हुई तो कुछ ही जमाने के बाद वालिद का इंतकाल हो गया यानी किलाब का। तो इनकी वालिदा ने यानी कुसई की मां ने एक निकाह कर लिया रबीआ नाम के आदमी से। ये रबीआ का खानदान उस वक्त मुल्क के शाम के इलाके में रहता था। कुसई का असल नाम या तो जैद था या मुजम्मा था। ये नाम इस वजह से रखा गया, मुजम्मा भी कहा गया है, जमा करने वाला। इब्तिदा में कुरैश का खानदान अलग अलग जगहों पर रहता था, कुछ वादी में, कुछ पहाड़ी पर, कुछ घाटी में। कुसई ने सबको एक जगह जमा कर दिया, इस वजह से इनका नाम हो गया मुजम्मा, जमा करने वाला। बहरहाल कुसई की मां ने निकाह किया रबिया से, ये तो बच्चे थे, रबिया का खानदान मुल्क शाम में रहता था, तो ये भी अपनी मां के साथ वही मुंतकिल हो गए मुल्क शाम की तरफ। और इनको पता नहीं मेरा बाप कौन था, ये रबिया को ही अपना बाप समझते थे, किलाब को अपना बाप समझते नहीं थे, मालूम ही नहीं, बचपन में बाप का साया उठ चुका था। अब जब बड़े हुए, जवान हुए, तो बड़े अच्छे तीर अंदाज भी थे, तो एक मर्तबा तीर अंदाजी में मुकाबला हुआ और किसी को इन्होंने पछाड़ दिया। उसने इनको ताना दिया कि कोई तू हमारी नस्ल का तो है नहीं, हमारी बस्ती का है नहीं, तू चला जा अपने इलाके। घर आए, माँ को पूछा कि माँ मेरा बाप कौन है। माँ ने कहा बेटा तुम्हारा बाप रबिया है। कर नहीं, अगर रबिया मेरा बाप होता तो मुझको इस तरह बस्ती से निकलने का ताना नहीं दिया जाता, सच बताओ। माँ ने कहा बेटा तुम्हारा बाप और तुम्हारा खानदान तो अरबों का शरीफ तरीन खानदान है, और वो अल्लाह के घर बैतुल्ला शरीफ के आसपास आबाद है। इन्होंने जिद पकड़ी कि मैं अपने खानदान जाना चाहता हूँ और अपने घर वालों से मिलना चाहता हूँ। माने का भी रुक जाओ, जब हज के लिए काफले जाएंगे तो तुम चले जाना। चुनांचे हज के लिए जब काफले आए तो उनके साथ कुसई यहाँ आ गए। आने के बाद अपने बड़े भाई जोहरा से मुलाकात की। जोहरा उस वक्त काफी बड़ी उम्र के थे, नाबीना हो चुके थे, और कहा मैं तुम्हारा भाई हूँ। उन्होंने कहा जरा करीब आओ, बदन पर हाथ फेरा, आवाज से और बदन से पहचान लिया कि हाँ ये मेरा ही भाई है। तो बाप की जायदाद और मीरास में जो हिस्सा था वो इनको दे दिया। उसके बाद कुसई ने मक्का के रईस की लड़की से शादी की, और उसने अपनी बेटी को जहेज के तौर पर काबतुल्ला शरीफ की तौलियत मुतवल्ली बना दिया, जो बाद में कुसई ने हासिल कर लिया। और इस तरह अब कुसई मक्का के बैतुल्ला शरीफ के मुतवल्ली और रईस कहलाए। ये बड़े हकीम थे,
और इनका कलाम भी हकीमाना हुआ करता था। इनकी हिकमत की बातों में से एक बात ये है कि जो किसी कमीने का इकराम करे वो भी उसके कमीनेपन में शामिल है। एक बात ये भी फरमाई है कि हासिद तुम्हारा खफी और पोशीदा दुश्मन है। अब इनके बड़े कारनामे थे, कारनामों में एक तो ये कि दारुन नदवा जो कुरैश की पार्लियामेंट समझी जाती है उसकी बुनियाद रखने वाले कुसई, जो भी काम होता वहीं से तय होता, कोई काफिला जाता वहीं से जाता, वापस आता पहले वहीं आता, किसी लड़की का रिश्ता आता तो उसके उमूर यहीं तय किए जाते, कोई अहम मशवरा करना होता तो इसी दारुन नदवा से किया जाता, तो उसकी बुनियाद रखने वाले यही कुसई बिन किलाब थे। इसी तरह काबतुल्ला शरीफ की जो अलग अलग तामीर हुई, कितनी मरतबा तामीर हुई मैं इस बहस में जाना नहीं चाहता, लेकिन एक तामीर कुसई बिन किलाब ने भी किए। जैसे एक तामीर नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में कुरैश मक्का ने की थी जिसमें हजर अस्वद के रखने का इख्तिलाफ हुआ था, इससे पहले की तामीर कुसई बिन किलाब की है, तो ये भी इनका एक बड़ा कारनामा। इसी तरह इनका एक कारनामा ये कि जितनी खिदमत अरबों में शरीफ समझी जाती थी वो सारी चीजें कुसई बिन किलाब ने अपने कंट्रोल और कब्जे में ली थी और अपने इख्तियार से अलग अलग कबीलों में तकसीम की थी। मसलन काबतुल्ला शरीफ की दरबानी की खिदमत, काबतुल्ला शरीफ की चौकीदारी, वक्त पर खोलना बंद करना ये एक खिदमत, आने वाले हुज्जाज किराम को खिलाने पिलाने की खिदमत, फुकरा की मदद, इसी तरह जंग के मौके पर झंडे को उठाने की खिदमत, इसी तरह दारुन नदवा में मशवरे की खिदमत, ये सारी अलग अलग चीजें जो फजीलत की थी सब का पावर कुसई बिन किलाब के हाथ में था, जो उन्होंने अपने इख्तियार से अलग अलग कबीलों में और खानदानों में तकसीम किया हुआ था। कुसई के चार लड़के थे, एक का नाम था अब्दुद्दार। अब्दुद्दार की औलाद में उस्मान बिन अबी तलहा है और उस्मान बिन अबी तलहा के बेटे शैबा है, और शैबा की निस्बत से पूरा खानदान आज भी शैबी कहलाता है। काबतुल्ला शरीफ की चाबी इसी खानदान के पास रहती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको चाबी दी थी उस्मान बिन अबी तलहा को और फरमाया था ये लो रखो, कयामत तक ये चाबी तुम्हारे खानदान में रहेगी, जो तुमसे छीनेगा वो जालिम होगा। तो एक बेटे ये अब्दुद्दार थे, एक बेटे थे अब्दुल उज्जा और एक बेटे थे अब्दे मनाफ। अब्दे मनाफ का जिक्र आगे आएगा। तो एक बेटे अब्दे मनाफ, एक है अब्दुल उज्जा। अब्दुल उज्जा के बेटे असद है, असद के बेटे खुवैलिद है और खुवैलिद की बेटी खदीजा है, जो नबी अलैहिस्सलाम की अहलिया मुहतरमा है। और एक बेटे का नाम फकत अब्द है। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि कुसई खुद कहते थे कि मैंने चार बच्चों में से एक का नाम अपने नाम पर रखा यानी अब्द, एक का नाम बैतुल्ला के नाम पर रखा यानी अब्दुद्दार, और दो का नाम अपने माबूदों के नाम पर रखा यानी अब्दे मनाफ और अब्दुल उज्जा। मनाफ और उज्जा ये दोनों अरबों के बुत का नाम है। अब कुसई के बेटे हैं अब्दे मनाफ। अब्दे मनाफ
इनका असल नाम तो मुगीरा है, मनाफ और मनात ये दोनों अरबों के बुत के नाम है। अफरअईतुमुल लात वल उज्जा व मनात अस्सालिसतल उखरा, ये अरबों की आदत थी अपने बुतों के नाम पर नाम रखने की, वरना मुगी इनका असल नाम मुगीरा है। बड़े खूबसूरत आदमी थे अब्द मनाफ जो कुसई के साहबजादे हैं, और इसी खूबसूरती की वजह से लोग इनको कमरुल बतहा कहते थे, सरजमीन बतहा, सरजमीन मक्का का चांद, बहुत खूबसूरत थे। और इनकी सरदारी भी मुसल्लम मानी हुई थी। इनके चार बेटे थे, एक का नाम था अब्दे शम्स। अब्दे शम्स की औलाद में हजरत उस्मान बिन अफ्फान है, हजरत अबू सुफियान है, अमीर मुआविया है वगैरह। दूसरे लड़के हैं नौफल, उनकी औलाद में जुबेर बिन मुतइम बिन अदी बिन नौफल है। तीसरे लड़के हैं मुत्तलिब, मुत्तलिब अब्दुल मुत्तलिब नहीं कह रहा, मुत्तलिब। इनकी औलाद में मिस्ताह बिन अतासा है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक के रिश्तेदार होते हैं। और चौथे लड़के हाशिम जो नबी अलैहिस्सलाम के परदादा है। इस तरह अब्दे मनाफ के ये चार लड़के, अब्दे शम्स, नौफल, मुत्तलिब, हाशिम। अब हुआ ये कि आगे चलकर इन चारों की औलाद में अदावत और दुश्मनी का सिलसिला चल पड़ा, और बहुत जोर और शोर की अदावत, यहाँ तक के ग्रुप और जमात बन गए। एक ग्रुप एक जमात, दो भाई की औलाद का अब्दे शम्स और नौफल की औलाद का एक ग्रुप बना, मुत्तलिब और हाशिम की औलाद का एक ग्रुप। दोनों एक दूसरे से खार खाते थे और एक दूसरे पर हसद करते थे, बल्कि ये जो पहला ग्रुप है इनको दूसरे ग्रुप वालों की जरा भी खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी। फिर खुदा का करना ऐसा हुआ कि दूसरे ग्रुप वालों की औलाद में आगे चलकर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, तो इसकी वजह से पहले ग्रुप वालों में हसद की लहर और आग तो और फैल गई। इतनी अदावत थी, बल्कि उलमाए किराम ने लिखा है कि अदावत का अंदाजा आप इससे लगाए कि बदर की लड़ाई में जो मुशरिकीन की तरफ से तीन आदमी सबसे पहले निकले थे, उतबा, शैबा और वलीद जो उतबा का लड़का है, ये तीनों के तीनों नौफल की औलाद में पहले ग्रुप वालों की। इधर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीन अंसारी सहाबी को हुक्म दिया कि जाओ मुकाबला करो। उन्होंने कहा तुम कौन हो? ये कहते हम अंसार में से, तुम हमारी टक्कर के नहीं, हम अपनी बिरादरी से लड़ना चाहते हैं। अब नबी अलैहिस्सलाम समझ गए, आपने कहा उन अंसारियों से वापस आ जाओ। अब आपने अपने रिश्तेदारों का इंतखाब किया, अली तुम खड़े हो जाओ, हमजा तुम खड़े हो जाओ, और उबैदा इब्नुल हारिस, अली आपके चचाजाद भाई, हमजा आपके चचा, और उबैदा इब्नुल हारिस ये भी आपके बड़े अब्बा के बेटे हैं, ये तीनों नबी अलैहिस्सलाम के खानदान के। फिर उन्होंने कहा हाँ तुम हमारे लेवल के टक्कर के हो, अब हमारा तुम्हारा मुकाबला होगा। इससे अंदाजा लगाइए कि उनको दूसरे ग्रुप वालों से कितनी अदावत थी। फतह खैबर के मौके पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरे ग्रुप वालों को गनीमत में से दिया, पहले ग्रुप वालों को नहीं दिया, तो उन्होंने कहा अब तो अदावत लड़ाई खत्म हो चुकी है। नबी अलैहिस्सलाम ने साफ फरमाया कि ये लोग जाहिलियत में भी साथ थे, इस्लाम लाने के बाद भी साथ है। तुम लोग इस्लाम लाने के बाद साथ हुए हो, जाहिलियत के दौर में तुम साथ नहीं थे। बहरहाल अब्दे मनाफ के चार बच्चों में से एक का नाम था हाशिम, ये भी असल नाम नहीं है, ये लकब है।
हाशिम के माना चूरा करने वाला। अब ये नाम इसलिए पड़ा कि ये बड़े सखी आदमी थे। इनका असल नाम था अम्र और अम्रुल अला के नाम से मशहूर थे। मगर जब जब अरब में कहत साली हुई, खुशकी हुई, तो हाशिम ही ने सबसे ज्यादा सखावत बताई है। खुद भूखे रहकर दूसरों को खिलाया है, इस वजह से इनका ये लकब हुआ हाशिम चूरा करने वाला, यानी रोटियों के टुकड़े कर करके भी लोगों को इन्होंने खिलाया है। ये अपने बाप से ज्यादा खूबसूरत थे और खूबसूरती इनके चेहरे और पेशानी से टपकती थी। उलमाए अहले किताब जब इनको देखते थे तो सजदा करते थे, झुकते थे। बल्कि कई उलमाए यहूद ने अपनी लड़कियां पेश की। वो क्यों? वो इसलिए ताकि नूरे नबूवत हमारे खानदान में मुंतकिल हो जाए। यहां तक के रोम का बादशाह हिरकल ने अपनी लड़की पेश की और कहा कि तुम निकाह कर लो, मगर खुदा को जहां मंजूर वहीं ये नूरे नबूवत मुंतकिल होने वाला है। उलमा ने लिखा है इनके 6 निकाह हुए थे। इनमें एक निकाह सलमा नामी खातून से हुआ था जो मदीना मुनव्वरा की रहने वाली थी। निकाह किया, रात गुजारी और उसके बाद सफर में आगे रवाना हुए। बीवी को हमल ठहर गया, हाशिम सफर में निकल गए और इसी दौरान हाशिम का इंतकाल हो गया 25 साल की उम्र में। दूसरी तरफ बच्चा पैदा हुआ, वो यतीम दुनिया में आया और माँ ने उसका नाम रखा शैबा। ये आगे चलकर अब्दुल मुत्तलिब कहलाया, असल नाम है शैबा। शैबा के माना आते बूढ़े के। अब ये नाम या तो नेक फाली के तौर पर रखा गया इस वजह से ताकि इसकी उम्र लंबी हो, इस वजह से ये नाम रखा गया, या इस वजह से ये नाम रखा गया कि ये जब पैदा हुए तो इनके सर में कुछ बाल सफेद थे पैदाइशी तौर पर, इसलिए ये नाम रखा गया। बहरहाल शैबा दुनिया में आए और मदीना मुनव्वरा में रहने लगे। यही उनकी जिंदगी का एक दौर गुजरा। हसान बिन साबित के वालिद साबित मदीना मुनव्वरा से मक्का आए तो उनकी मुलाकात मक्का में मुत्तलिब से हुई, जो शैबा के चचा होते हैं, हाशिम के भाई, और कहा तुम्हारा भतीजा हमारे यहाँ है, जरा आके देखो वो कैसी जिंदगी जी रहा है, वो कितना अच्छा तीर अंदाज है। तो शैबा मुत्तलिब ने यह सुनकर फौरन मदीना का सफर किया कि मैं अपने भतीजे को यहाँ लेकर आऊंगा, वो अपने खानदान की बुजुर्गी से ना वाकिफ है, मदीना में रहने के बदले तो उसको मक्का में रहना चाहिए। फौरन पहुंचे, किसी ने बताया देखो वो तुम्हारा भतीजा तीर अंदाजी कर रहा है, पहचान लिया कि हाँ ये मेरा भतीजा है। माँ से इजाजत चाहिए कि मैं ले जाना चाहता हूँ, का नहीं। उन्होंने मेहमान नवाजी की दावत दी तो मुत्तलिब ने कहा मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी कबूल नहीं करूंगा जब तक तुम मेरे भतीजे को मेरे साथ ले जाने न दो। माँ ने कहा ठीक है मैं सोच कर जवाब दूंगी। 3 दिन के बाद इजाजत दे दी तो अब मुत्तलिब अपने भतीजे को लेकर अपनी सवारी पर बिठाकर मदीना से मक्का आए। यतीम थे, मिस्कीन थे, गरीबी मुफलिसी यतीमी चेहरे से टपक रही थी। लोगों ने पूछा मुत्तलिब ये कौन है, मुत्तलिब तो बड़े आदमी है, रईस है, तो ये यतीम ये गरीब कौन? कहते हुए शर्म आई कि मेरा भतीजा है, ये कहा मेरा गुलाम है, तभी से मशहूर हो गए अब्दुल मुत्तलिब, मुत्तलिब का गुलाम, वरना इनका असल नाम था शैबा। अब ये जो अब्दुल मुत्तलिब है ये मक्का के रईस हुए।
बहुत ही बाअखलाक, बहुत ही बहादुर, बहुत ही सखी, सखावत में अपने बाप हाशिम से बढ़कर, इनकी सखावत इंसानों पर नहीं बल्कि दरिंदों पर, फिजा में उड़ने वाले परिंदों के लिए भी थी, इसलिए इनका लकब हो गया था मुतइमु तैरिस समा, आसमान के परिंदों को खिलाने वाला। ये भी लकब था फैयाज। जब रमजान का महीना आता, गारे हिरा में चले जाते और लोगों को अच्छे अखलाक की तालीम देते, जिना से रोकते, शराब से रोकते, चोरी से रोकते, लड़कियों को जिंदा दरगोर करने से रोकते, बहुत ही बाअखलाक बारौब थे। जमजम की खुदाई का वाकया भी इन्हीं के ज़माने में पेश आया। अगर वाकया सुनाऊंगा तो 10 मिनट और निकल जाएगी, इसलिए वो आप दूसरी किताबों में देख ले। तो अब्दुल मुत्तलिब इतने बारौब थे कि काबा शरीफ के साये में इनके लिए एक मुसल्ला बिछाया जाता, किसी की मजाल नहीं थी कि उसके करीब भी जाए। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत थी कि नबी अलैहिस्सलाम वहां जाकर बैठते थे और अब्दुल मुत्तलिब उनको उठाते नहीं थे। अब्दुल मुत्तलिब को फिक्र हुई और अब्दुल मुत्तलिब ने 6 निकाह किए और 21 औलाद हुई, 15 लड़के 6 लड़कियां। वैसे अलग अलग अकवाल है मगर मैंने जो आपको तफसील बताई है ये सीरत की मोतबर किताब रहमतुल लिल आलमीन के हवाले से बताई है, जिसको चाहे उसमें देख ले। तो उनमें एक निकाह फातिमा बिनते अम्र से हुआ, जिनसे 4 लड़के हुए थे, अब्द मनाफ यानी अबू तालिब, अब्दुल काबा, अब्दुल्ला नबी अलैहिस्सलाम के वालिद और जुबेर। 5 लड़कियां हुई, उम्मे हकीम, बैजा, बर्रा, उमैमा, अरवा, आतिका। ये 5 लड़कियां हुई, ये 9 हकीकी भाई बहन, बाकी और 5 निकाह की तफसील आप खुद मालूम कर ले। तो अब्दुल मुत्तलिब के साहबजादे हैं अब्दुल्ला, ये अपने बाप की तरह बाअखलाक और बहुत ही खूबसूरत। इनका नाम खालिस अब्दुल्ला, जो अल्लाह के पसंदीदा नामों में से है। जब ये जवान हुए, बाप को फिक्र हुई कि इनका निकाह करवाया जाए और इनकी पेशानी पर भी नूरे नबुव्वत चमक रहा था। कई औरतों ने पेशकश की, एक अरब की खातून ने, इसी तरह एक खसअमी औरत ने, इसी तरह एक मर्तबा जंगल में बकरियां चराते हुए भी एक औरत ने बदकारी की तरफ बुलाया। बल्कि उलमाए यहूद ने इनके कत्ल के मंसूबे तक बनाए मगर अल्लाह ने महफूज रखा। इनका रिश्ता तय हुआ वहब की बेटी आमिना के साथ, बाप लेकर चले। एक यहूदिया आलिमा औरत फातिमा उसका नाम था, उसने देखा तो 100 ऊंटों की पेशकश करके अब्दुल्ला को अपनी तरफ बुलाया, लेकिन अब्दुल्ला ने इनकार किया। शादी हो गई आमिना के साथ, दस्तूर के मुताबिक 3 दिन रहे। जब वहां आए तो फातिमा ने देखा अब पेशानी पर नूर नजर नहीं आ रहा है। पूछा, अब्दुल्ला तुमने शादी की है? कहा। फातिमा कहने लगी, मैं कोई फाहिशा बदकार औरत नहीं हूँ, बल्कि मैंने तुम्हारी पेशानी पर नूरे नबूवत देखा। मैंने चाहा वो मेरे पेट में मुंतकिल हो जाए मगर वो तो खुदा को जहाँ मंजूर था वहाँ मुंतकिल हो गया। अब अब्दुल्ला की उम्र या तो 18 या 25 या 28 या 30 साल, 4 कौल बयान किए गए हैं। उस वक्त अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ और नबी अलैहिस्सलाम वसलाम अपनी वालिदा के पेट में हमल की शक्ल में थे, 7 महीने का हमल, जैसा कि दुरूस तारीख में बयान किया गया है। वैसे अलग अलग अकवाल भी है। अब आखिरी बात में 2-3 मिनट आपकी लूंगा कि नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए
तो उस साल जिस साल अबरहा के लश्कर का वाकया पेश आया उससे 50 या 55 दिन के बाद आप दुनिया में तशरीफ लाए हैं। अबरहा वाला वाकया 22 मुहर्रम का है और उसके 50 या 55 दिन के बाद आपकी विलादत हुई। महीना कौन सा था? वैसे 6 कौल है, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउस सानी, रजब और रमजान, लेकिन अल्लामा ज़ाहिद अल कौसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमा के रबीउल अव्वल के अलावा जितने कौल बयान की वो सब गलत और ज़ईफ है, सही कौल रबीउल अव्वल ही का है। अच्छा, तारीख कौन सी थी यानि इस्लामी तारीख, तो इसमें तो बड़ा इख्तिलाफ है। 2 तारीख का कौल भी है। 8 तारीख का कौल मौलाना इदरीस साहब कांधलवी ने सीरतुल मुस्तफ़ा में बयान किया है। 9 का कौल ज्यादा सही है जो अल्लामा शिबली नौमानी ने सीरतुल नबी में बयान किया है। 10 का कौल मोहम्मद बाकिर ने बयान किया है। 12 का कौल मोहम्मद बिन इसहाक ने बयान किया है। 17, 18 और 22 का भी कौल मिलता है। और अंग्रेजी हिसाब से तारीख में 1 कौल 17 जून 569 ईस्वी, दूसरा कौल 20 अगस्त 570 ईस्वी, तीसरा कौल 10 जून 570 और चौथा कौल 10 अप्रैल 570, चौथा कौल 20 अप्रैल 570। ये 4 कौल बयान किए अंग्रेजी हिसाब से। पीर का दिन था, बास कहते हैं कि रात में विलादत हुई, बास कहते हैं कि सुबह सादिक के वक्त, सुबह सादिक ये रात में भी शुमार होती है, सुबह में भी शुमार होती है, इसलिए कोई इख्तिलाफ नहीं है। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की मुख्तसर सी झलक मैंने आपको इसलिए पेश की कि सीरत के पढ़ने का हमारे अंदर शौक पैदा हो। मैं आपसे एक अपील करता हूँ कि अपने जेब में थोड़ा सा बोझ हल्का करते हुए बाजार जाइए, सीरत की किताब खरीद कर लाइए, खाने से पहले 5-10 मिनट 1-1.5 सफ़ा उसका पढ़े ताकि हमें मालूम हो हमारे नबी कौन थे, उनका मुबारक ख़ानदान क्या था, उनकी ज़िंदगी कैसी थी। अगर हमें वाकई नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है तो आप बताइए क्या इस काम के लिए हम तैयार हैं। ज़ोर से इंशाल्लाह बोले। बहुत किताबें हैं, हर जुबान में है, तो आप किताबें खरीदे, खाना रोटी हाथ में नहीं लेंगे जब तक कि 1 सफ़ा कम अज़ कम अपने घर वालों को पढ़कर न सुनाए। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।